हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार। ऑनलाइन यूनिक सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों रेलवे में आई वैकेंसी, कैंडिडेट अब तक फॉर्म भर चुके हैं, उनको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, लेकिन जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं उनको कई प्रकार के कन्फ्यूज़न अभी तक बना हुआ है, जैसे कि फीस को लेकर, इनकम सर्टिफिकेट को लेकर और कास्ट सर्टिफिकेट के लेकर। आज मैं आप लोगों को इन्हीं सब टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि क्या सही है और क्या गलत है और कैसे फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्या ज़रूरी चीज़ है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन। सबसे पहले मैं सभी कैंडिडेट को एक सजेशन देना चाहूँगा कि इस लोको पायलट एंड टेक्नीशियन का फॉर्म का डेट जो कि अपडेट हुआ है 31/3/2018 तक, लेकिन जो कैंडिडेट अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो जल्द से जल्द इस फॉर्म को सबमिट कर लेंगे। वो लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट में ओवरलोड की वजह से सर्वर डाउन हो जाता है और कई प्रकार की प्रॉब्लम आने लगते हैं और फॉर्म छूटने का भी डर रहता है। तो इसीलिए सभी कैंडिडेट जो अभी तक नहीं आवेदन किए हैं वो जल्द से जल्द इस फॉर्म का आवेदन कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एलपी और टेक्नीशियन के एज के बारे में। अब देखिए दोस्तों, इसमें एज अनरिजर्व मतलब कि जनरल कैटेगरी का 35 साल हो गया है और ओबीसी कैंडिडेट का 38 साल और एससी एसटी के 40 साल, जो कि इस नए नोटिफिकेशन में इसका अपडेट हुआ है, जो कि जनरल 35 साल, ओबीसी 38 और एससी एसटी 38 साल। ये देखिए, इसमें एज कैलकुलेशन दिया है अनरिजर्व का 2/7/1988 से और ओबीसी का 2/7/1985 से, एससी एसटी 2/7/1983। अब हम यहाँ पे बात करेंगे फीस को लेकर। देखिए दोस्तों, इसमें फीस अभी तक जो कैंडिडेट नहीं भरे हैं फॉर्म, उनके मन में कई प्रकार की कन्फ्यूजन है। कुछ लोग कह रहे हैं 100 रुपये लग रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि फीस नहीं लग रहा है, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से फीस को लेकर आज आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर कर दूँगा। देखिए, इसमें जनरल ओबीसी का फीस 500 ही लगेगा। अभी फॉर्म भरते समय 500 ही लगेगा, लेकिन अगर वो क्वालिफाई कर लेते हैं इस पोस्ट को तो उनका 500 पूरा लगेगा। अगर जो डिसक्वालीफाई जो एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे उनका 400 रुपये उनके अकाउंट में वापस आ जाएगा। और कैंडिडेट फॉर्म भरते समय अपना अकाउंट नंबर ज़रूर देंगे, क्योंकि अगर वो फेल होते हैं तो वही अमाउंट 400 रुपये उनके अकाउंट में आ जाएगा। अकाउंट इसमें कैंडिडेट अपना लगा सकते हैं या फैमिली के किसी भी सदस्य का अकाउंट ऐड कर सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं। और इसमें एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये चार्ज है, जो कि 250 इनका पूरा रिफंडेबल है, क्योंकि जो क्वालिफाई करते हैं उनका 250 पूरा चार्ज होगा, जो नहीं करते हैं उनको 250 उनके अकाउंट में वापस हो जाएगा। फीमेल और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए ये फीस है। दोस्तों, मैं आप लोगों को फीस को लेकर एक चीज़ और कन्फ्यूज़न दूर कर दूं कि इसमें देखिए, ईबीसी मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ये देखिए जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए ये है। इसमें आप 250 रुपये इस फॉर्म का चार्ज करके आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें आप बस इसमें आपको एक काम करना है कि आपको अपना आय प्रमाण पत्र तहसील से बनवाना होगा, जिनका एनुअल इनकम यानी साल भर का इनकम 50,000 तक हो, तो उनका फीस आधा हो जाएगा। आप इसमें 250 रुपये पेमेंट कर सकते हैं आय प्रमाण पत्र लगाकर। ये देखिए, आपके सामने पूरा डिटेल दिया हुआ है। इसमें आप अपना आय प्रमाण पत्र लगाकर फॉर्म का जो 500 फीस है वो 250 रुपये पेड कर सकते हैं। ये सिर्फ जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए है।
और इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ और कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ कि कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, देखिए इसमें कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ एससी एसटी कैंडिडेट के लिए अपलोड हो रहा है, वो भी अगर उसमें रेलवे कन्वेंस मतलब कि रेलवे का जो किराया होता है उसको आप अगर आरक्षण रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, मतलब एससी एसटी अगर उसको किराया का आरक्षण लेना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में जात प्रमाण पत्र उनका स्कैन अपलोड हो रहा है, अदरवाइज अगर उसको नहीं लेते हैं तो वो अब ज़रूरी नहीं है। तो एससी एसटी के लिए सिर्फ जात प्रमाण पत्र कंपलसरी है अगर वो रेल किराए में आरक्षण चाहते हैं तो, अगर नहीं चाहते हैं तो उनके लिए भी ज़रूरी नहीं है कि सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करें। दोस्तों ये हो गया एलपी और टेक्नीशियन के कंफ्यूजन दूर कर। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को एलपी टेक्नीशियन के फॉर्म के कंफ्यूजन को क्लियर किया हूँ, अब मैं आपको ग्रुप डी के जो भी कन्फ्यूजन है मैं वो भी दूर कर दे रहा हूँ। देखिए ग्रुप डी में ओबीसी जो एज, इसमें भी संशोधन हुआ है, इसमें ये देखिए जनरल वाले 2785 जिनका डेट ऑफ बर्थ हो वो डाल सकते हैं, ओबीसी में 2782 वाले डाल सकते हैं, और एससी एसटी 2780। तो दोस्तों फीस का प्रोसेस सेम जैसे मैंने एलपी टेक्नीशियन का बताया वैसे ही सेम प्रोसेस इसका भी है, और इसमें एक चीज़ कंपलसरी जो था आईटीआई वो उसको ऑब्लिक में यानी ऑप्शनल में डाल दिए हैं, है तो ठीक है नहीं तो हाई स्कूल से अपना सबमिट कर सकते हैं फॉर्म को। तो दोस्तों इसमें भी जात प्रमाण पत्र का वही प्रोसेस है जो एलपी वाले में बताया था आपको, वही सेम प्रोसेस है, अगर एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो उनका अगर फीस सॉरी रेल किराया में वो आरक्षण लेना चाहते हैं तो उनका जात प्रमाण पत्र स्कैन लगेगा, अदरवाइज वो आरक्षण नहीं लेते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और फीस का प्रोसेस वही है, अगर वो अपना आय प्रमाण पत्र जनरल और ओबीसी कैंडिडेट अपना आय प्रमाण पत्र लगा देते हैं तो उनका फीस 500 नहीं होकर 2500 रुपये सिर्फ लेगा फॉर्म, उसमें भी सबमिट हो जाएगा। तो आई एम श्योर आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा फीस रिलेटेड और एज को लेकर और इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, वो कन्फ्यूजन आई एम श्योर दूर हो गया होगा, और जो कैंडिडेट फॉर्म नहीं भरे हैं अभी तक वो बिना डिले किए ही अपना फॉर्म सबमिट कर दें। धन्यवाद दोस्तों।